यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए, खासकर स्पेशली हमारे साथ तीन रात इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ाने के लिए मिशन के तौर पर लगे रहते हैं, मिस्टर अविनाश कुमार सर, मिस्टर वीरेंद्र कुमार कान सर एंड हमारे पिता को हमारे चाचा जी मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा सर। मैं चाहूंगा स्पेशली एक बार जोरदार तालियां। सबों का मार्गदर्शन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए स्पेशल इसलिए था क्योंकि जब भी मन में थोड़ा निगेटिविटी आता है, जब भी कोई परेशानी आता है, एक बार उनसे फोन करके बात होती है तो लगता है कि चलो सब कुछ दूर हो गया, निगेटिविटी दूर हो गया। तो आज कहीं ना कहीं उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सारे लोग बढ़ रहे हैं। ऐसे में अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, मैं सीआरपीएफ में नौकरी करता था, आज 16 साल हो चुके हैं सीआरपीएफ की नौकरी को ज्वाइन किए हुए, आज मैं नौकरी नहीं कर रहा। लेकिन जिस समय मैं सीआरपीएफ में नौकरी कर रहा था उस समय आज से ठीक 6 साल पहले इस बिजनेस के बारे में जानकारी मिली। बहुत कुछ बताने को है, 6 साल पहले मैं बिजनेस के बारे में जानकारी मिली, लेकिन जैसा होता है हर व्यक्ति को इस बिजनेस का प्राण मिलता है तो एक बार में जब लाखों रुपए महीने की बात आती है तो विश्वास नहीं होता है। हमें भी इस प्लान को बताने के लिए हमारे पास हमारे घर में नरेश कुमार मिश्रा सर थे, अवनीत कुमार कान सर, अविनाश कुमार सर, सब लोग के माध्यम से बिजनेस प्लान मिला। लेकिन उस समय भाई का निगेटिव आदमी था, निगेटिव इन द सेंस इसलिए जो मैं बोला कि कुछ भी हो जाए तेरे बात मानने को कहीं कतई मैं राजी नहीं हूँ, फिर सवाल लेके लोग यहाँ से इतना पैसा कमा सकता है और ये खुशी आ सकती है। लेकिन जब अपनों को जब इस बात को जानकारी लगता है जब लोग जाता है इस बिजनेस का प्लान लेके, बस वही कहानी हुआ, मेरे नरेश सर मेरे पास आए थे, प्लान बताया, लेकिन एक ही जगह मैंने उनको मना किया कि कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल इस बिजनेस को नहीं करूंगा, और जहां तक हुआ मैंने इनका भी विरोध किया इस बिजनेस को आगे काम करने के लिए, बिल्कुल नहीं करना है। ये भी हमारे सर समस्तीपुर बिजनेस करते थे, इनको भी मैंने मना किया, जहां तक कि निगेटिव किया, घर में झगड़ाई झगड़ा करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन ये अविनाश सर हमारे सर इनके पीछे पड़े हुए थे, नरेश जी आप एक दिन काम करो काम करो काम करो, एक दिन ये पगला फौजी आपके टीम में आएगा और एक बहुत बड़ा ढाल बन के खड़ा होगा। लेकिन जो भी हुआ इस बीच में इसको सोचने समझने में हमको 2 से 2.5 साल का वक्त लग गया, पॉजिटिव होने में 2 से 2.5 साल का वक्त लगा। मैंने इस बिजनेस को 2 से 2.5 साल बाद ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हमारे मन में बहुत सारे सवाल गूंज रहे थे, ज्वाइन करके भी मैं काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं अपने नरेश सर को जब देखा कि होंडा सिटी कार खरीद रहे थे तब मेरे मन में आया, इतने उम्र में 35 साल की उम्र में किसी किराने के दुकान वाले को तो नहीं देखा छोटा सा होंडा सिटी कार में घूमते हुए। फिर मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए नहीं, अब तो बिजनेस को करना है, चला अब नहीं किया तो खानदान का सबसे गरीब पिता का खानदान है, अपने खानदान का सबसे गरीब, क्योंकि नौकरी में कर रहा था। फिर मैंने उसे पूछा कि बोलिए अब इस बिजनेस में करना क्या होगा, तो बोले कि जैसा मैं बताता हूँ वैसा करते चलो, तब सब कुछ होगा तुम्हारे पास। ब्रेन तो मैं लगा रहा था क्योंकि मैं बीसीए किया हुआ था, बीसीए करके मैं सेल्फ पे पे गया था, तो कंप्यूटर वाला दिमाग था और इस बिजनेस को भी कंप्यूटर के हिसाब से डील करना चाहता था। ये बोले कि मैं जैसा बताता हूँ वैसा करते चलो, देखना एक दिन तुम्हारे पास फिर सब कुछ आया। उसके बाद बस जैसा है बोलते गए मैं वैसा करता गया, आज मैं सीआरपीएफ में नौकरी नहीं करता हूँ, मैंने नौकरी को प्री में जोड़ छोड़ा है, नौकरी को आज फुल टाइम से जॉब करता हूँ। लेकिन इनके बताए हुए रास्ते पर चलने के बाद सिस्टम के साथ की वजह से ये व्यक्ति 2006 में हमारी साथ में हमारी अधानी बैठी हुई है, एक लाल कलर का स्प्लेंडर हमें शादी में मिला था, बिहार वाले सारे लोग समझ गए हमें शादी में क्या मिलता है, उसको भारत की गाड़ी कहते हैं सर। वो एक हमें मोटरसाइकिल मिली थी, उस मोटरसाइकिल पर जाते थे, कला गांव का भी लोग कहता है कि जो दहेज का मोटरसाइकिल लेके फुटफुट करता है, लेकिन इस बिजनेस पर विश्वास किए गए, बोले कि करते चलो करते चलो, जिसका परिणाम हमारे लोग व्यक्ति को अपने उस मोटरसाइकिल पर चला करता था। मात्र 18 महीने काम करने के बाद ये बंदा आज अपने 10 लाख की आइक्विटी कार से चलता है। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं विदेश की भी यात्रा करूंगा, लेकिन सब लोग बोले कि राजेश जी करते चलो हमारे घर में नरेश सर विदेश बार बार जाते थे, बार बार जाते थे, और सब लोग हमारे व्हाट्सएप पे फोटो भेज कर बार बार चिल्लाते थे कि राजेश तुमको कब चलना है, तुमको कब चलना है, तुमको कब चलना है। लेकिन देखिए उनसे कबूल से उनकी बात को मानते हुए ये व्यक्ति आज इस 2019 के साल में जो हिसाब चल रहा है, इस साल में हमने 10 यूरोप कंट्री की यात्रा किया है सब लोगों के साथ, 10 यूरोप कंट्री की यात्रा की है। कभी सोच पाता तो पूरा पेश जाऊंगा, चेक रिपब्लिक जाऊंगा, वियना जाऊंगा, सिया जाऊंगा, इटली जाऊंगा, स्पेन जाऊंगा, रशिया जाऊंगा, और साथ में थाईलैंड बैंकॉक पटाया भी जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जिंदगी के लिए। तो आज सब कुछ संभव
सिस्टम पे विश्वास करना, प्लान पे विश्वास किया। अब सर लोगों ने एक और झुंझुन्ना हमारे गर्दन में बांध दिया, राजेश जी आपको अपने लिए पटना में भी मकान लेना है। मैंने बोला कि सर आप लोग का आशीर्वाद है कि बंदा उस चीज को भी अचीव करके दिखाएगा, उस चीज को भी अचीव करके दिखाएगा। और जहां तक डायमंडशिप की बात, समय कम दिया सर लोगों ने, पहले ही सर इशारा कर दिए हैं डायमंडशिप की बात। ये व्यक्ति कमिटमेंट करता है कि जून 2020 में व्यक्ति डायमंड बनेगा, 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 बनेगा। रूढ़ी पर आदमी की जिंदगी में इतना बदलाव आ जाता है खाली।